दोस्तों YouTube तो आजकल हम सभी यूज करते हैं। अक्सर आपने YouTube अवार्ड के बारे में भी सुना होगा। YouTube समय समय पर कुछ लोगों को स्पेशल अवार्ड देकर सम्मानित करता रहता है, जैसे कि सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन। ये अवार्ड मिलते किसको हैं, इन्हें YouTube से कैसे लिया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किस धातु के बने होते हैं, इनकी कीमत क्या होती है, इन्हें कितने में बेचा जा सकता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये सब करने से पहले आप सभी को बधाई देना चाहूँगा, और आप सब बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि आज आपकी वजह से DTech चैनल के लिए भी सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, जिसे हम अभी खोल कर देखेंगे। तो फाइनली दोस्तों, ये है मेरा YouTube का अवार्ड। इसका बॉक्स आप देख सकते हैं किस तरह से ये दिख रहा है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है, ऊपरी शब्दों में लिखा हुआ है YouTube। और ये है मेरा हेडफोन, जिसे हम कर देते हैं थोड़ा सा साइड में, और इस बॉक्स को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। वैसे इस बॉक्स के लिए मैंने पहले खोल रखा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसे आपके सामने दोबारा से खोल रहा हूँ, और देखिए इसके अंदर क्या निकलता है। तो यहाँ पर देखिए यूट्यूब लिखा हुआ है, इसे हम थोड़ा साइड में रख देते हैं, और ये इसके ऊपर ये गंदा नहीं हो जाए इसलिए लगा रखा है ब्लैक कलर का, इसे हम साइड में रखते हैं पहले। और यहाँ पर एक सबसे पहले निकलता है लेटर, इस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है YouTube, और उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर YouTube के जो CEO हैं उनके यहाँ पर साइन है। और चलिए इस लेटर को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं, और देखते हैं हमारा सिल्वर प्ले बटन कैसा दिखता है। तो ये रहा हमारा सिल्वर प्ले बटन, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की पन्नी लगी हुई, इसे हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट टू DTech फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर YouTube। चलिए बहुत ही अच्छा दिखता है दोस्तों। YouTube तीन तरह के अवार्ड प्रदान करता है। नंबर एक, सिल्वर प्ले बटन। अगर आपके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, और आपके चैनल पर किसी भी तरह की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या किसी भी तरह की कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पाई जाती है, YouTube आपको सिल्वर प्ले बटन से सम्मानित करेगा, और इसकी सूचना आपको आपके ईमेल पर दे दी जाती है, जहां से आप इसे रिसीव कर सकते हैं। नंबर दो पर आता है गोल्डन प्ले बटन। ये अवार्ड 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाने पर आपको दिया जाता है। नंबर तीन पर आता है डायमंड प्ले बटन। ये अवार्ड 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो आपको प्रदान किया जाता है। अब बात आती है कि ये किस धातु के बने होते हैं। दोस्तों, इन अवार्ड को लेकर कई लोगों के मन में यह संशय बनी रहती है कि ये किस धातु के बने रहते हैं, जैसे कि सिल्वर प्ले बटन। नाम और कलर से समझो कि ये चांदी का बना होगा, लेकिन ये चांदी का नहीं होता है, ये सिल्वर के कलर में बस प्रिंट होता है। इसी तरह से गोल्डन प्ले बटन गोल्डन के कलर में प्रिंट होता है। डायमंड प्ले बटन में भी हीरे वगैरह की मात्रा नहीं पाई जाती है। दोस्तों, अब बात आती है कि इनकी कीमत क्या होती है, इन्हें कितने में बेचा जा सकता है। दोस्तों, इनकी कीमत की बात अगर की जाए तो ये बिकते ही नहीं है, कीमत तभी तय होगी जब ये बिकेंगे। फिर भी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सिल्वर प्ले बटन की कीमत $1000 से लेकर $2000 के बीच बताई गई है, यानी वो आपको 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये के बीच में पड़ता है। गोल्डन प्ले अवार्ड की कीमत $3000 से लेकर $5000 के बीच में बताई गई है, और इसी तरह से आपके डायमंड अवार्ड की कीमत $7000 से लेकर $10000 के बीच में आती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि यूट्यूब अवार्ड क्या होते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस अवार्ड से लेकर, किसी भी अवार्ड से लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। Thank you so much to every single person that has subscribed to me. Thank each and every one of you who subscribed to me. Thank you all. Oh my God, I can't believe this. I'm so happy. I wouldn't be holding this right now without you guys. So to each and every one of you, thank you so much.